सिर्फ 10 मिनट में और वो भी बिना ज्यादा मेहनत के सुपर क्रिस्पी इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं। तो उसके लिए हम 3 से 4 बड़े साइज का आलू ले लेंगे। आलू को अच्छे से छील ले और फिर ऐसे लंबा लंबा कट कर ले, बहुत ज्यादा पतला ना कट करे। अब 2-3 बार आलू को अच्छे से हमें धो लेना है ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। और अब किचन टॉवल से अच्छे से हमें आलूओं को पोंछ लेना है ताकि सारा पानी सूख जाए। अब एक बोल में 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच चावल का आटा, थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स करें। और अब आलूओं में हमें इसकी कोटिंग करनी है। ये स्टेप फ्रेंच फ्राइज को सुपर क्रिस्पी बनाता है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आलू में अच्छे से मिक्स करें। अब बस एकदम गर्म तेल में हाई हीट पे इन्हें फ्राई करेंगे और हाफ कुक होते ही इन्हें निकाल लेना है और फिर दोबारा से हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऐसा करने से फ्रेंच फ्राइज सुपर क्रिस्पी बनते हैं। और जैसे ही फ्रेंच फ्राइज गोल्डन ब्राउन होने लगे, इन्हें फटाफट से एक बोल में निकालें, थोड़ी सी मिर्ची, चाट मसाला, नमक ऐड करके मिक्स करें और मजेदार सी फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करें।